नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कमलेश कुमार की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। कस्बा स्थित एक मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर लाखों की नकदी सहित जेवरात पर चोरों ने किया हाथ साफ। पुलिस करती रही गश्त, चोर करते रहे चोरी। देखो बाकेगंज कस्बा में पुलिस की लापरवाही। मैलानी थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी बाकेगंज के कस्बा स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास में स्थित दो घरों में चोरी हुई, जिसमें एक मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं कुछ ही दूर पर एक परचून की दुकान में रखे सामान पर भी हाथ साफ किया गया। वहीं दूसरी तरफ बाकेगंज कस्बे के कोठीपुर गांव स्थित सड़क किनारे गन्ने के खेत में एक लावारिस मोटरसाइकिल HF डिलक्स भी बरामद हुई। मकानों में हुई चोरी को लेकर बाकेगंज पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं लावारिस मिली मोटरसाइकिल को पुलिस छानबीन कर रही है तथा इस बाइक के मालिक को भी रजिस्ट्रेशन के आधार पर ढूंढने की कोशिश में पुलिस लगी है तथा इस तरह से हुई चोरी से कस्बे में के लोगों में भय व्याप्त है। कस्बे के लोगों ने पुलिस के पेट्रोलिंग व रात्रि गश्त को बढ़ाने की मांग की है। आप देख रहे थे लोकल खबरें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कमलेश कुमार की खास खबर।